क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि कहना क्या चाहता है और एग्जाम में हमें लिखना क्या है, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बोल रहा है, हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जस्टिफाई योर आंसर। देखो बच्चों, आप जब गूगल करोगे ना और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो पता है आपकी बुक में तो कैसे किया हुआ है, समझो जरा। आपकी बुक में देखो कुछ ऐसा पीरियोडिक टेबल आपने देखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसा पीरियोडिक टेबल आपने देखा है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहां कहीं हाइड्रोजन आता है ना ग्रुप नंबर 1 में, आपने देखा है, ठीक है। और यहां कहीं हीलियम आता है, ये ग्रुप नंबर 18 में, ऐसा आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो आप जब गूगल करोगे तो आपको देखो क्या दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा। देखो बच्चों, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हाइड्रोजन को उन्होंने यहां पर देखो ग्रुप नंबर 1 में नहीं रखा है, पता है, बिल्कुल भी। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है ऐसे, ये बिल्कुल भी अलग से बच्चों हाइड्रोजन को इन्होंने लिख दिया। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब जो लेटेस्ट आजकल यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाई जा रही है ना, उसमें हाइड्रोजन को एक यूनिक, यूनिक मतलब अद्वितीय जैसा कोई और ना हो, बिल्कुल ही अलग पोजीशन क्यों दी गई है, एक यूनिक पोजीशन क्यों दी गई है, ठीक है। क्यों ऑक्यूपाई करता है हाइड्रोजन इस पीरियोडिक टेबल में, एक यूनिक प्लेस क्यों ऑक्यूपाई करता है, तो ये क्वेश्चन है। पहले तो आप क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। हमारी बुक में तो चलो ऐसे, ठीक है, आप देखोगे तो आजकल जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाया जा रहा है, हाइड्रोजन को यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो कह रहा है इस बात का आप सपोर्ट करो, यही तो लिखा है ना, कह रहा है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट। चलो तो हम देखो बच्चों कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको। हम इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, पहले हम बताएंगे कि हाइड्रोजन को क्यों ग्रुप नंबर 1 में रखा जाना चाहिए, फिर हम बताएंगे कि हाइड्रोजन को क्यों ग्रुप नंबर 17 में रखा जाना चाहिए। बात समझो बच्चों, यहाँ कहीं 17 आता है ना हाइड्रोजन फैमिली वाला, आपने देखा है ये ग्रुप नंबर 17 यहाँ आता है, ठीक है, जिसमें क्या आता है आपका बताइए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये आता है, ठीक है। तो पहले हम उनको बताएंगे क्या कि भाई ग्रुप नंबर 1 में क्यों रखा जाना चाहिए, फिर हम उनको बताएंगे ग्रुप नंबर 17 में क्यों रखा जाना चाहिए, फिर हम ये बताएंगे कि हाइड्रोजन अब क्यों ग्रुप नंबर 1 में नहीं रखा जाना चाहिए और क्यों ग्रुप नंबर 17 में नहीं रखा जाना चाहिए, उसको काउंटर करेंगे एग्जांपल देके। और फिर हम बोल देंगे भाई इसलिए हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो हमें पढ़ाया गया कि भाई ग्रुप नंबर 1 में क्यों रखा जाता है हाइड्रोजन को, तो समझो बच्चों, देखो ये जो ग्रुप नंबर 1 है इसमें आपका क्या क्या आता है बताइए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जगह नहीं है थोड़ी सी, देखिए ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम बस इतना ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है 1, ठीक है, इसके के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। लिथियम का कितना होता है 2.1, सोडियम का कितना होता है 2.8.1, पोटेशियम का होता है 2.8.8.1, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, ग्रुप नंबर 1 के सभी जो एलिमेंट्स हैं, मतलब हाइड्रोजन को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ठीक है, तो ये देखो ये जो एल्कली मेटल्स हैं आपके, यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो इनके आउटर मोस्ट में यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एल्कली मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जैसा, उसी के सिमिलर तो हाइड्रोजन का है, क्योंकि भाई हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलर है तो हमको उनको सेम ग्रुप में रखना पड़ेगा, बात समझ में ही नहीं आई, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहली बच्चों हमने जो बात करी यहां पर, हमने लिखा फर्स्ट पॉइंट कि बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स हैव सेम, नहीं लिखना है, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एज बोथ हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सी होती है, सबसे आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, वैलेंस शेल होती है, जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना। ओके चलो बहुत बढ़िया, तो ये बात आपको पॉइंट समझ में आया, क्या लिखा हमने यहां पर, हमने लिखा बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एज बोथ हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, मतलब एल्कली मेटल्स के भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयरफॉर हाइड्रोजन कैन बी प्ले, मैंने शॉर्ट में लिखा पूरा लिखेगा, देयरफॉर हाइड्रोजन कैन बी प्लेस इन ग्रुप नंबर 1। तो हमने बताया हाँ भाई हाइड्रोजन को इस तरीके से ग्रुप नंबर 1 में प्लेस किया जा सकता है, इतनी बात हमने करी। फिर सेकेंड पॉइंट में हमें क्या करना है बच्चों, सेकेंड पॉइंट में हमें ये बताना है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है, ध्यान चेक करिए, बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, बोथ हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने बच्चों यहां पर लिखी हुई है, देखिए हमने कैसे बोला यहां पर, तो हमने क्या बोला ग्रुप नंबर 1 के लिए, हमने बोला भाई कि एल्कली मेटल्स के भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब ग्रुप नंबर 17 से हमने कनेक्ट किया, तो आइए हम आपको दिखाते हैं बच्चों, ग्रुप नंबर 17 में अगर आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, आपको मिलेगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन की, फ्लोरीन और क्लोरीन से मैं आपको समझाता हूँ, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है बताइए 2.7, ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है बताइए
2.8.7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है। अब आप अगर ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, तो ये जो फ्लोरीन है अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। चेक करो, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट में इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। के शेल, एल शेल, एम शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बच्चों देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके कर क्या रहा है, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, फ्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये F- हो जाएगा, ऐसे इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ये फ्लोराइड आयन बन जाएगा और ये क्लोराइड आयन बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब हम यहां क्या लिखेंगे, 8, और यहां क्या लिखेंगे, 8। खास चेक करो बच्चों, फ्लोरीन ने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, क्योंकि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2.8। तो फ्लोरीन कैसा बिहेव करने लगेगा, नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा, और क्लोरीन कैसा बिहेव करने लगेगा, ऑर्गन जैसा। भाई क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, हर एक एलिमेंट चाहता है ना कि वो नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले ताकि स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। तो चेक करो, ये हो गया आपका ऑर्गन जैसा, क्योंकि ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2.8.8। तो बात समझो जरा भाई, एक बात बताओ बच्चों, आपने पढ़ा है कि हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो हीलियम भी तो स्टेबल है, हीलियम भी तो रिएक्ट नहीं करता है। ध्यान से चेक करो ना, यहां पर ग्रुप नंबर 18 में, यहां पर जो राइट में आता है आपका ग्रुप नंबर 18, आप देखिए बच्चों यहां पर जगह तो है नहीं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 18 में आप देखोगे तो क्या क्या आता है, यहां पर ग्रुप नंबर 18 में हीलियम है ना, नियॉन और ऑर्गन और भी आते हैं। तो यहां पर देखिए हीलियम, ठीक है, नियॉन, ऑर्गन, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, मुझे थोड़ा सा ऊपर से नीचे आना चाहिए था यहां पर, तो यहां से कहीं हीलियम, ठीक है, नियॉन, ऑर्गन। अब चेक करो, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन जैसा और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑर्गन जैसा। तो सुनो, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और के शेल में इसके पास 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों कहां रहते हैं, के शेल में। तो के शेल तो पूरी भरी हुई है, ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो या ऑक्टेट कंप्लीट हो तो स्टेबल होता है, तो हीलियम तो क्या है, स्टेबल है। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में अगर आप ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का ये सिंबल हमने बनाया, इसके आउटर मोस्ट में के शेल में भी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, अगर ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात समझ आएगी नहीं? तो ये भी तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा, और कैसा बिहेव करेगा, नियरेस्ट गैस अपनी नियरेस्ट इनर गैस हीलियम जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, तो स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे ये हैलोजन्स, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट हैलोजन कहलाते हैं ना, तो जैसे ये हैलोजन्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन ने भी क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करना चाहता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेगा और हीलियम जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। सही है, बात समझ में आई? तो यहां पर बच्चों आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन कैसा बिहेव कर रहा है, हैलोजन सा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यही बात हमने यहां पर लिखी हुई है सेकंड पॉइंट में, ध्यान से चेक करिए, हमने लिखा है बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्यों बोला, हमने इसलिए इस बार बोल दिया क्योंकि अभी देखो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 है और इन लोगों के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन के 7 होते हैं, 1 गेन करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 7 होते हैं, हाइड्रोजन के अभी 1 है, मैच नहीं कर रहा, 1 और 7 एक जैसा नहीं है, लेकिन आदत क्या है इन लोग की, सेम है, गेन करना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना और नियरेस्ट नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना। तो यही बात हमने यहां ब्रैकेट में लिखी है, क्या बोथ Have 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सबके पास नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सकते हैं। हैलोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, है ना। देयरफॉर हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी प्लेस इन द ग्रुप नंबर 17। इस तरीके से हाइड्रोजन की जो बच्चों प्रॉपर्टी है वो हैलोजन से भी मैच करती, तो उसको ग्रुप नंबर 17 में भी रखा जा सकता है। तो देखा, अभी अभी हमने बोला कि इसको ग्रुप नंबर 1 में भी रखा जा सकता है, अभी भी हमने बोला कि इसको ग्रुप नंबर 17 में भी रखा जा सकता है, दो बातें हमने बोल दी। अब हम क्या करेंगे, इसी बात को काउंटर करेंगे। देखो अभी यहां पे, देखो यहां पे एक और ये भी चर्चा का विषय है कि भाई ग्रुप नंबर 1 में रखे कि 17 में, ये तो दोनों से सिमिलर है, ठीक है ना। अब हम इन दोनों ही बातों को काउंटर कर देंगे। कैसे काउंटर करेंगे, ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो हाइड्रोजन होता है, ठीक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का ना साइज बहुत छोटा होता है, हाइड्रोजन के एटम का साइज बहुत छोटा होता है, और हाइड्रोजन के एटम का साइज बच्चों छोटा होने के कारण हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो
कभी कभी बिल्कुल भी अलग तरीके से बिहेव करता है। किससे? ना तो वो एल्कली मेटल जैसा बिहेव करता है, ना तो वो हैलोजन जैसा बिहेव करता है, बात समझ नहीं। तो अभी आपने क्या देखा, ये एल्कली मेटल में रखा जाना था, फिर आपने क्या देखा हैलोजन में रखा जाना था, फिर आपने क्या देखा हाइड्रोजन का साइज इतना छोटा है कि उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ना तो एल्कली मेटल जैसी है ना तो आपका हैलोजन जैसी है। तो इसका मतलब उठा के ही हाइड्रोजन को कहां रख दो, बिल्कुल अलग रख दो। तो इसलिए हाइड्रोजन की यूनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब सुनिए आगे क्या लिखना है इसको काउंटर करने के लिए। आपको यह बताना है बच्चों कि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है। एक एग्जांपल आपको क्लास 10th में देना है, वैसे तो आप 11th में जाओगे ना, डिटेल में पढ़ोगे हाइड्रोजन चैप्टर, बट अभी आपको यह बताना है कि हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन के ऑक्साइड का नाम आपको याद है H2O, वाटर। हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है? H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वाटर, वो न्यूट्रल होता है, लगभग न्यूट्रल होता है। वैसे तो एसिडिक बेसिक दोनों नेचर होता है वाटर में, आपकी क्लास 11th में पढ़ोगे उसको, छोड़ो आप, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि वाटर क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है और ये न्यूट्रल है। तो ध्यान से चेक करिए, हाइड्रोजन का ऑक्साइड न्यूट्रल हो गया। लेकिन एल्कली मेटल्स का ऑक्साइड जो होता है बच्चों, ये एल्कली मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है, ये मेटल्स हैं इसलिए इनके मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक। और हैलोजन के जो ऑक्साइड आपको मिलेंगे, ठीक है, हैलोजन के जो ऑक्साइड मिलेंगे, हैलोजन क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। अब चेक कर लो, हाइड्रोजन का क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्साइड न्यूट्रल हो गया, एल्कली मेटल का क्या हो गया ऑक्साइड, बेसिक हो गया, और हैलोजन का क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो फिर से कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है क्या ऑक्साइड बनाने वाली, वो एल्कली मेटल से भी नहीं मैच कर रही और हैलोजन से भी नहीं मैच कर रही। तो काउंटर हो गई बात कि भाई इसको ना तो हम ग्रुप नंबर 1 में रखें ना तो 17 में रखें, इसको हम अलग से ही एक पोजीशन दे देते हैं यहां कहीं टॉप पे, बात समझ नहीं कि नहीं। तो यही बात हमने यहां पर लिखी हुई है। देखिए आगे क्या आपको रीजन लिखना है एग्जाम में, क्या कि हाइड्रोजन एटम साइज इज वेरी स्मॉल इन साइज, हाइड्रोजन का जो एटम का साइज होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर डिफरेंट फ्रॉम एल्कली मेटल्स एंड हैलोजन्स, ठीक है। एग्जाम्पल आपको क्या देना है क्लास 10th में, आपको बताना है कि भाई द ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज means H2O, that is H2O. Oxide of hydrogen, that is H2O, is neutral, but the oxides of alkali metals के बच्चों एक दो oxide के नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि sodium oxide, Na2O, potassium oxide, K2O, etc. are basic, while those of halogens, means halogen के oxide, एक दो बच्चों halogen के oxide के नाम आप लोग याद कर लीजिए, मैं आपको बता दूं, Cl2O7, Br2O5, I2O5, इसमें से एक दो example आप कोई भी दीजिएगा, these ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन आर एसिडिक इन नेचर। अब मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप फाइनली क्या लिखेंगे, दीज ऑब्जर्वेशंस सपोर्ट्स, या दीज हाँ ये लिख दीजिएगा आप, दीज ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स दैट हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कोई डाउट है बताइए। तो इतना हम क्लास 10th में लिखेंगे, बाकी हम क्लास 11th में, तो हाइड्रोजन नाम का चैप्टर ही है, तो मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था। तो इतनी बातें आपको एग्जाम में लिखनी है, ओके।